आज हम बात करेंगे कि HP के लैपटॉप के लिए वाईफाई ड्राइवर को कहां से डाउनलोड करना है। यदि आपके पास HP का लैपटॉप या डेस्कटॉप है और उसमें वाईफाई जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो सबसे इजी तरीका है वाईफाई प्रॉब्लम को ठीक करने का कि या तो आप जो है अपने वाईफाई ड्राइवर को अपडेट कर दें या फिर आप जो है अपने वाईफाई ड्राइवर को चेंज ही कर दें। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने वाईफाई ड्राइवर को चेंज ही कर दीजिए। यदि आप अपने वाईफाई ड्राइवर को चेंज कर देंगे तो आपके HP के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वाईफाई से रिलेटेड, सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल के थ्रू से समझते हैं। तो वाईफाई ड्राइवर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वाईफाई ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वाईफाई ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है support.hp.com। ये लिख के आपको करना क्या है, इंटर कर देना है। वैसे इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे HP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, तो यहाँ पे एक और नया पेज खुलेगा। तो यदि आपका लैपटॉप रहे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यदि डेस्कटॉप रहे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लैपटॉप में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके लैपटॉप का जो भी सीरियल नंबर रहे उसे यहाँ पे इस बॉक्स में आपको करना क्या है, डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना। उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद कुछ इस तरह खुलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है, यहाँ पे ऑल ड्राइवर्स में, यहाँ पे आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करना है, तो यहाँ पे देखिए सारा चीज जो है वो खुल गया। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है ड्राइवर नेटवर्क, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, तो यहाँ पे सारा ड्राइवर जो है वो खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ओथोरस का हो गया, ये ब्रॉडकॉम का हो गया, यहाँ पे बहुत सारा इंटेल का है, क्वालकॉम का है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करना, उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपका नेटवर्क अडाप्टर कहाँ पे है। तो नेटवर्क अडाप्टर में आपको डबल क्लिक कर देना है, तो आपका नेटवर्क अडाप्टर जो है वो खुल जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा वाईफाई लगा हुआ, यानी कि इस कंपनी का लगा हुआ जो वहाँ पे मैंने दिखाया, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम, ओथोरस या इंटेल। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। उसके बाद आपको वापस वहीं पे आ जाना है, ठीक है। आने के बाद आपने जो वहाँ देखा उसी को आपको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे ये ओथोरस का हो गया, थोड़ा सा नीचे जाइएगा यहाँ पे, ये इंटेल का हो गया, यहाँ पे और भी नीचे जाइएगा, यहाँ पे ये क्वालकॉम का हो गया, और भी नीचे जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वालकॉम का हो गया, इंटेल का हो गया, सारा यहाँ पे हो गया। तो आपका जो भी रहेगा उसी को आपको करना क्या है, डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे सभी के बगल में डाउनलोड डाउनलोड लिखा हुआ है इस तरह, ठीक है। तो आपका जो भी रहेगा, ठीक है, जो भी वाईफाई रहेगा वो थोरस का रहेगा या क्वालकॉम का या इंटेल का, तो उसी को आपको करना क्या है, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा वो थोरस वायरलेस लैन ड्राइवर। वायरलेस का मतलब हो गया या तो वाईफाई या तो ब्लूटूथ, ठीक है। उसके बाद आप पता कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह दिखाएगा, तो इसको इग्नोर कर देना है, इसको काट देना है, ठीक है। तो अपने आप डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि डाउनलोडिंग हो रहा है या नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ डाउनलोड। तो एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह नया पेज में आके फंसा दिया। तो चलिए फिर से चेक करते हैं, देखिए नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कीप में क्लिक करके, यहाँ पे कीप एनीवे में क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा है, 83 MB का फाइल है, तो होने दीजिए डाउनलोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये EXE फाइल में, तो आप इसे यहीं से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप जो है अपने वाईफाई को देखिए यहाँ पे कनेक्ट करके कि आपका वाईफाई कनेक्ट लेता है या नहीं लेता है। यदि ड्राइवर से रिलेटेड समस्या होगा तो इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, और यदि कोई अदर प्रॉब्लम होगा तो फिर ठीक नहीं होगा। क्लियर बता देते हैं, यदि कोई अदर प्रॉब्लम होगा तो ठीक नहीं होगा ड्राइवर चेंज करने के बाद भी। तो यदि कोई अदर प्रॉब्लम होगा तो उसको आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरा में ड्राइवर चेंज करने के बाद भी सही जो है नहीं हुआ, तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा
कि अदर प्रॉब्लम यदि आपका आता है ड्राइवर चेंज करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है, वाईफाई का प्रॉब्लम आते ही रहता है, तो उसको आप कैसे फिक्स करेंगे मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।